हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा दसवीं का विज्ञान का पेपर जो सेट ए है, जो आप लोग देख सकते हो। अभी अभी मुझे एक जन ने स्कूल से फोटो भेजी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया जाए ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सके थे। तो एक कक्षा दसवीं वालों का विज्ञान का पेपर जो आपका है, तो चलिए इसको हम संपूर्ण सोल्यूशन आपके साथ करने वाले हैं और आप लोगों को भी पता लग जाएगा हमारे पेपर में क्या क्या आने वाला है, किस प्रकार से हमारा पेपर आने वाला है। तो सब आपको बता दूँ, पूर्णांक आपका 75 नंबर का होने वाला है, समय आपका 3 घंटे है। तो 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पेपर पूरा करना है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सब पता आप लोगों के सामने होने 8 नंबर के आएंगे सही विकल्प। क्या है 8 नंबर के होने सही विकल्प? जैसे कि पहला लगा जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है तो आप सभी लोग जानते हैं जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, पहले लगा दूसरा वाला एफ ई टू ओ थ्री प्लस टू ए एल और ए एल स्क्वायर ओ थ्री प्लस टू एफ ई दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, यानी डी वाली ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग सामने तीसरा वाला, जिसमें लगा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पौधे के किस भाग में होती है, तो पौधे की वो पत्ती में होती है, सी ऑप्शन आपका सही है। चौथा लगा है चौथा वाला दो न्यूट्रॉन के बीच संधि कहलाती है, जो दो न्यूट्रॉन के बीच संधि कैसी होती है तो स्नैप्स होती है, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट सोल्यूशन पाँचवा, जिसमें लगा है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है, जो लेंस की क्षमता होती है तो उसके ऐसे मात्रक क्या है, तो उसका ऐसे मात्रक है डायोप्टर। ठीक, फिर पाँचवा हो गया बड़ा छठवा है मानव नेत्र के किस जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो मानव नेत्र के है उस भाग पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या है, तो इसमें हो जाएगा दृष्टिपल, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। सातवां देखते हैं हम लोग आप लोग सामने यहाँ पर एक मिनट, हाँ तो सातवां देखते हैं, तो सातवें देखते हैं यहाँ पर देखते हैं सातवें लिखा आप लोग सामने निम्न में कौन सी भौतिक अभिक्रिया नहीं है, जो आप लोग सातवां ऑप्शन दिया गया यहाँ पर निम्न में कौन सी भौतिक अभिक्रिया नहीं है, तो सातवें में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, इनमें से कौन सी भौतिक अभिक्रिया नहीं है, पहले हम पढ़ते हैं खोलते पानी की से जायज बाप बल बर्फ का पिघलना जल है नमक में पानी घोलना एलपीजी का धन, तो एलपीजी का धन अपने इस सारे भौतिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक, हम लोग का पीएच मान होता है, तो पीएच मान कितना होता है तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, हम लोग का पीएच मान जो होता है तो उसका हम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग रिक्त स्थानों की पूछ देखिए। चलिए, हम यहाँ पर रिक्त स्थान आपके सामने करने वाले हैं, जैसा कि पहला लगा लो सामने यहाँ पर इस प्रकार झूम कर लूँ, हाँ सही है। जल एक ऑक्साइड है, जल एक कैसी ऑक्साइड है तो आप लोग उदासीन, ठीक इस मान लेंगे उदासीन, ठीक उदासीन। दूसरा लगा शरीर में उपस्थित अवशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम कहलाता है, तो कहलाता है उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन। तीसरा वाला देखिए, तीसरा लगा तंत्र का तंत्र की प्रमुख इकाई है, जो तंत्र का तंत्र होती है उसकी प्रमुख इकाई क्या है, तो न्यूरोन है। ठीक, न्यूरोन। ठीक, इस प्रकार बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने चौथा वाला, जिसमें लगा है उत्तल लेंस की क्षमता तथा अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, इसमें लगोगे धनात्मक। ठीक, और इसमें लगोगे ऋणात्मक। ठीक, इसमें लगोगे ऋणात्मक, तो इसमें लगोगे धनात्मक, इसमें लिखेंगे ऋणात्मक, दो जगह भर देंगे, दो खाली स्थान है चौथे में, तो यहाँ भर देंगे। पाँचवा देखते हैं, पाँचवें लिखा लोग सामने आकाश का रंग नीला प्रकाश के कारण दिखाई देता, तो कैसे बर्ड विक्षेपण के द्वारा, तो पाँचवें लिखोगे बर्ड विक्षेपण। ठीक, विक्षेपण ये हो जाएगा। छठवा देखते हैं, छठवा लगा है सूर्य प्रकाश का रंगों की व्यक्त होना कहलाता है, सूर्य प्रकाश का रंगों व्यक्त होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता आप इस छठ में हो जाए बड़ विक्षेपण। छठ में लिखना था आपको बड़ विक्षेपण, छठ में लिखना था बड़ विक्षेपण, और पाँच में लिखना था प्रकीर्णन, इसमें लिखना था प्रकीर्णन। ठीक, प्रकीर्णन, एक में प्रकीर्णन, पाँच में हो जाएगा प्रकीर्णन और छठ में हो जाएगा बड़ विक्षेपण। थी, सात में देखते हैं, सात में प्रतिबिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब के अनुपात कहलाता है, तो ये कहलाता आवर्धन। ठीक, आवर्धन, आप बताए कहलाता है। अगला है सही जुड़े, चलिए हम सही जुड़ी भी मिलाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर। तो पहला ऊष्मा का अवशोषण है, ऊष्मा का अवशोषण क्या है, ऊष्मा शोषी, कैसा है ऊष्मा शोषी, इसमें दिया गया हाँ ये ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की ब्रक की संरचना। ठीक, दूसरे का मिला हुआ तीसरी वाली, एक मिनट, दूसरे का मिलना तीसरी वाली। ठीक, उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण का मिला हुआ आप लोग तीसरे का मिला हुआ पश्च दर्श दर्पण, अभिसारी दर्पण चौथे का मिला हुआ अवतल दर्पण से, वर्ण विक्षेपण पांच में मिला हुआ वर्ण विक्षेपण, त्रिभुजा का प्रतिबिंब, निकट की दृष्टि दोष छठवीं का हो जाएगा निकट अवतल लेंस, ब्लाचिंग पाउडर, तो ब्लाचिंग पाउडर का हो जाएगा सी एस ओ सी एल टू ए, इस प्रकार चालू सुबुझा कुछ का सूत्र सी ए ओ एच टू, इस प्रकार चालू सामने यहाँ पर सही जुड़े भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपको सामने एक साथ एक वाक्य उत्तर देना है, तो
तो जैसे पहला लगा दो सामने, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती क्या, उपचयन, उपचयन। ठीक, चलिए फिर दूसरा लगा दो सामने, सी ए ओ सी एल टू का प्रचलित नाम क्या है, तो लोग ब्रंजक चूर्ण, क्या, ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण। ठीक, जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर यहां पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com। ठीक है, तो अपने मोबाइल में यहां पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj। जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहां पे देखिए फर्स्ट में जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहां पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे साफ-साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर वन प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहां पे बनाया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहां पे देखिए जॉब वाइज क्वालिफिकेशन में यहां पे आपको देखिएगा एमपी बोर्ड, ध्यान से देखिएगा यहां पे आपको देखिएगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024। ठीक है, तो यहां से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहां पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, अब यहां पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए, अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहां पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहां पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूं, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थी कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहां पे दो सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए आपको दिखा देता हूं, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहां पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक, सेट ए पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहां पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया। ठीक है, अब यहां पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ है, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। तो यहां से पूरा पेपर आप देख लेना। ठीक है, यहां पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, यहां पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के मिल जाएंगे। अब यहां पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो टाइम टेबल रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहां पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहां पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहां पे पेपर है। ठीक है, सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए, मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहां पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहां पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहां पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहां पे फोटो जो तीसरा लगा आप सामने, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है। जो वायु की अनुपस्थिति में होती है तो कह रहे थे अवायवीय श्वसन, क्या, अवायवीय, अवायवीय श्वसन। इस प्रकार से चौथा लगा आप सामने, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका माध्यक लिखिए। तो इसमें चौथे का हो जाएगा पी बराबर 1/f मीटर में, मीटर में। ठीक, पांच बार लगा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। ठीक, काला, हमें नीला दिखाई देता है, उन्हें काला। छठवा, नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं की प्रतिबिंब बनते हैं, तो दृष्टि पल पर, दृष्टि पटल पर। ठीक, पटल, पटल लिखना, पा छोटा छोटा ला। ठीक, चलिए अगला आपके सामने सातवां, जिसमें लगा अम्ल एवं क्षार की प्रक्रिया से बनता है, तो लवण एवं जल, लवण एवं जल ये बनता है। अगला आप सामने विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर मैं बताने वाला हूँ। पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ के ही जाना, प्लस सीख के ही जाना, वेरी वेरी मोस्ट है। आशा करता हूँ आप लोगों ने सीख भी लिए होंगे, नहीं सीखे तो उसके पूरे के पूरे आंसर मेरे पास है और इन सभी का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगा, क्योंकि इसमें इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन इसलिए बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मुझे इनके आंसर ढूंढना है, अभी इनके आंसर ढूंढ के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।